फ्रेंड्स, अगर आप भी कम समय में झटपट से कुछ चटपटा सा बनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो बस ये इस रेसिपी को जरूर से फॉलो कीजिए। ये रेसिपी है 5 मिनट की रेसिपी और चटपटा सा और बेसन और सूजी का बना ये हेल्दी स्नैक झटपट से बन जाएगा और बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो तीखा और चटपटा और काफी जायकेदार ये रेसिपी है। तो आप चाहें तो इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और चाहें तो धनिया पुदीने की चटपटी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए हमने क्या क्या हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। और रेसिपी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल विधान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं स्पेशल नाश्ता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बंद गोभी से बनी एक ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसे आप झटपट से बना सकते हैं। और जब भी आपका मन चाहे कि कुछ झटपट से चटपटा खाना है तो आप जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से हमें बंद गोभी लेनी है और इसे आपको अच्छे से धो के इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ ऐसे टुकड़े निकाल लेने हैं। आप चाहे तो रफली चॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके टुकड़े निकाल लिए हैं और ये अच्छे से धोया हुआ है। और इसके साथ में हमें चाहिए कुछ चीजें, जैसे कि 3 से 4 क्लोव्स गार्लिक के और हरी मिर्च और 1 प्याज लिया है मैंने। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सभी चीजों को एक चॉपर में डाल करके इसे बारीक हम चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से इसे चॉपर में ऐड कर देती हूँ। गार्लिक भी ऐड करेंगे और हरा मिर्च भी। मिर्च आपको जैसा तीखापन पसंद हो वैसा आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च का यूज किया है और 1 मीडियम साइज का प्याज। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉप हो गया है। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम एक बड़े बर्तन में ऐड कर देते हैं जिसमें हमें उस रेसिपी का मिक्सचर बनाना है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूं 2 बड़े चम्मच रवा यानी सूजी। तो आप मोटा सूजी या बारीक वाला सूजी दोनों यूज कर सकते हैं। इसे ऐड करेंगे और साथ में मैं 1 कटोरी बेसन यूज कर रही हूं। बेसन को अच्छे से छान लें यूज करने से पहले। अब मैं इसमें ऐड करूंगी खट्टा दही। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दही है, इसे ऐड कर देंगे। हल्का सा खटास आएगा, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा इससे। साबुत जीरा 1 बड़ा चम्मच, थोड़ा सा हल्दी 2 पिंच के करीब और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी चीजों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर रेडी करेंगे। बैटर हमें बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है जैसा कि आप इडली का बैटर रेडी करते हैं, उत्पम का रेडी करते हैं, बिल्कुल उतना ही हमें इसे गाढ़ा रखना है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें। यहां पर बैटर रेडी है। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे।
ताकि जो सूजी हमने ऐड किया है वो अच्छे से फूल जाए और हमारा बैटर रेडी हो जाए। यहाँ पर बैटर बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, तो मैं नॉन स्टिक पैन का यूज कर रही हूँ। इस पैन को हम हल्का गर्म होने देंगे और सबसे पहले मैं इसमें पैन के ऊपर एक चम्मच ऑयल को इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी और इसे थोड़ा सा इस तरीके से हम फैला देंगे। तो बस पैन को हमें मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का सा गर्म कर लेना है, बहुत ज्यादा तेज हमें इसे गर्म नहीं करना है। और इस करछुल की हेल्प से हम इसमें जितने भी बड़े साइज का आपको बनाना हो आप इस तरीके से इसे फैला दें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम साइज का बना रही हूँ, तो कम से कम 2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी और इसे जितना हो सके आप इसे फैला लें। बहुत पतला नहीं करना है मगर बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से मैं इसे फैला लेती हूँ। और बस इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे, हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम टू लो पे रखना है इसे। और धीमी धीमी आंच में इसे हम पकने देंगे। जब ऊपर की लेयर ड्राई होगी तभी हम इसे फ्लिप करेंगे। यहाँ पर ऊपर की लेयर ड्राई हो गई है तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पराठों में लगाते हैं। और अब मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ, तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। और अब इसके दूसरी साइड भी हम बढ़िया तरीके से इसे पका लेंगे, हल्का हल्का से ऐसे प्रेस करेंगे। इसे हम एक बार और पलट लेंगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है और बहुत बढ़िया तरीके से सिक गया है। तो बस अब देर नहीं करते हैं और ये रेडी है, तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और अब फटाफट से हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। ये रेडी हो चुका है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। तो बस इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा ये ब्रेकफास्ट बन करके रेडी हुआ है। तो इसे आप चाहे तो चटपटी धनिया पुदीने की हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों को टोमेटो सॉस बहुत ज्यादा पसंद आता है तो उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बेस्ट बनता है। तो बस झटपट से बन जाने वाली ये 5 मिनट की रेसिपी, सुबह शाम की छोटी मोटी भूख हो, बच्चों को झटपट से कुछ चटपटा सा नाश्ता चाहिए तो बच्चों बड़ों सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। पसंद आया है तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल विदान किचन इंदौर को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय, टेक केयर।